तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो गाइज, आज से हम लोग एक न्यू चैनल स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये है मेरे मामा और ये है मेरा भाई, मतलब हम इनके भांजे हुए। तो हमने हमारे चैनल का नाम है मामा भांजे। इस चैनल में हम आपको दिखाएंगे हमारे डेली लाइफ ब्लॉग्स, जो कि आपको बहुत सारा आने वाला है मजा, क्योंकि आपको हम दिखाएंगे हमारी कैसी लाइफस्टाइल है और डेली हम लोग क्या करने वाले हैं। प्लीज गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि गाइस यहां पे ऐसी वीडियो आने वाली हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और हम लोग उठ चुके हैं। हम तीनों यहाँ पे छत पे थोड़ा धूप लेने आए हैं, तो काफ़ी धूप हो रही है। अच्छा है नहीं, क्योंकि हम पोपट हो जाता है, सौरभ जोशी की भाषा में पोपट हो जाता है हमारा। और आज है डेट 21/1/2024, जो कि कल होने वाला है राम मंदिर का उद्घाटन। बहुत ही प्यारा दिन है कल के लिए हमारा। और आज हम लोग देखते हैं क्या करते हैं, थोड़ा बोर हो रहे हैं सुबह सुबह, क्योंकि गाइस मेरे लिए कल का दिन थोड़ा सा अच्छा नहीं हो पाएगा, क्योंकि कल मेरी ऑफिस की छुट्टी नहीं है। एक्चुअली मैं एक एज अ ऑफिस में वर्क करता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटर हूँ। मेरा काम है डेली लाइफ में अपने ऑफिस जाना और आना। घर पे मिलेंगे कल आपको दोनों मेरे भांजे, तो हो सकता है कल का ब्लॉग में ये दोनों आपको मिल सकते हैं। बट ये तो चले जाएंगे, कोई नहीं, हम लोग घर पे हैं, हम लोग जो कर सकते हैं भाई करेंगे वो। और आप बने रहना वीडियो में गाइस, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? लेकिन गाइस आप लोगों का सपोर्ट और प्यार जरूरी बहुत। अंकल एक तेजाब की बोतल लेना, 20 वाली। तो गाइस अभी हमने ले लिया और ये गाय माता, ये खड़े खड़े कटवाने वाली गाय। तो गाइस फाइनली हमने तेजाब ले लिया, अब हम जा रहे हैं अपने घर। इस छोटे से काम के लिए तीन बंदे यहाँ पे आए हैं, जो कि बहुत ही भाई याद चीज़ है। बहुत ही बेले आदमी भाई, तो हम जा रहे हैं। तो समझ सकते हो कि कितने ज़्यादा कमीने इंसान है, कि अगर एक इंसान को कुछ लेने जाना हो तो तीन बंदे इकट्ठे जाते हैं। इसलिए हमको थ्री इडियट भी कहा जाता है गली में और हमारे घर में। और साथ में हम मामा भांजे कहलाते हैं, इसीलिए हम भी मामा भांजे बन जाते हैं। तो गाइस ये हमारी गली है, थोड़ा आप देख सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ गलियों में काफी अच्छे अच्छे मकान हैं। सो गाइस अभी हमें मिल चुका है एक नया टास्क, और अभी हमें जाना है पेड़ लगाने के लिए गमले में, जो कि है छत पे। अभी हम चलते हैं गमले में पेड़ लगाने, वो भी सिर्फ डब्बे में चलते हैं। और अभी हम चल रहे हैं ऊपर की साइड, तो अभी हम चलते हैं। गाइस हमारा पॉपट हो चुका है, हम लोगों ने पानी लिया ही नहीं है। सो गाइस अभी हम पानी मंगा लेंगे भांजों से, नीचे से कह के। तो अभी हम चल रहे हैं, हाँ, तो हम अगले छत पे जा रहे हैं पानी भरने के लिए, पानी कह रहा हूँ गमला लगाने के लिए। छत पे जा रहे हैं, तो गाइस मैं छत पे आ चुका हूँ और अभी मुझे इन गमलों में ट्रांसप्लांटिंग करनी है, ये मेरा। तो गाइस अभी टाइम, ओए शोर क्यों मचा रहा है, पागल ले चुटकी के चक्कर निकल। तो गाइज अभी टाइम है पौधों को सही करने का। यहाँ पे पौधे देखो गाइज, देख रहे हो www ये फावड़े से ये करने वाले गाइज, देखो पूरे सारे पौधे बिखरे पड़े हैं, इनको सेट करते हैं और छत को साफ करते हैं। तो गाइज अभी हमें नीचे से ऑर्डर मिला है कि पौधों को हमें एक लाइन में सेट करना है, और सॉरी कॉल आ गई थोड़ी गाइज डिस्टर्बेंस के लिए, सॉरी। तो गाइज अब टाइम है यहाँ पे, आप देख रहे हो जो गंदगी फैल रखी है और सारे पौधे बिखरे पड़े हैं, इनको सही करते हैं। और यहाँ पे जो मिट्टी बिखरी पड़ी है, मिट्टी को सही कर देंगे, और ये पौधे सारे टूटे पड़ रहे हैं, इनमें पानी डाल के और सही करते हैं इनको। तो चलो ये टास्क है हमारा, चलो शुरू हो जाओ। चलो भाई फिर हम करते हैं स्टार्ट। तो गाइस अभी हमने इसमें लगा दिया है टमाटर का पौधा, इसके अंदर हमने एक और स्टेन्स वाला पौधा लगा दिया, इसके अंदर हमारा लेमन लगा है, इसके अंदर अभी हम कोई और सीजनल, अभी मार्च आने वाला है तो कोई और फल लगाएंगे, जिसके हिसाब से अभी होगा इसको भी बनाएंगे। इस वाले पौधे को हम खाली खाली डिस्पेंसर कर देंगे, और ये जितने भी रखे हैं इन सबको इकट्ठे मिट्टी भर के रख देंगे, जिससे फिर हमारा बाद में स्टोर करके और भी पौधे लगाने काम आएंगे, क्योंकि मुझे नेचर से ज़्यादा लाभ है, इसलिए मैं थोड़ा गार्डनिंग करने में थोड़ा ठीक रखता है। तो आगे हटो चल, कितने लाभ है यार, टूट के लग रहा है। तुम लोग वो लग रहे हो ना वीडियो आती है, जो कौन सी वाली वीडियो आती है, वो इसमें चाइनीज बंदे सफाई करते रहते हैं ऑल टाइम।
एक घर की पूरी की। अरे भाई देखो दूसरा वो निकला पूरा, इसको बोलते साफ सुथरा वाला काम। तो गाइस ये है प्लास्टिक निकली है बेस्ट, इसको हम प्लास्टिक में कलेक्ट कर देंगे। ये भी ले उधर, ये भी हम कलेक्ट कर देंगे इसके अंदर। तो गाइस अब टाइम है इधर सफाई भी कर देते हैं, इस तरफ अच्छा लगेगा काफी ज्यादा। मोटा तार भाई सही रख वहां पे, छत पे कौन कौन क्या क्या फैला देता है यार, ये लाइट वाला तार भी ये नहीं भरेंगे। ये पटिया डिया सब वाले उठा लो, वो उठा के लो, वो उठा के लो पत्थर, क्या वो पत्थर बड़ा है, उठा के लो यहाँ पे फेंक दो। हो गया हो गया, अभी गाइस अभी हम चल रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे जगह दिख रही है, इसमें ये वाला पौधा रख देते हैं। तो गाइस यहाँ पे आ गया ये वाला पौधा। तो फाइनली गाइस बहुत देर की मेहनत के बाद हमने बहुत मेहनत की सफाई की, इतनी कड़ी धूप में बहुत मेहनत की और फाइनली हमारी छत देखो साफ हो चुकी है। भाई ये कोना खड़े होने लायक नहीं था, लेकिन आप यहाँ पे आराम से खड़े हो सकते हैं, बैठ भी सकते हैं। और भाई पौधों को पानी अब डेली डालना है, क्योंकि भाई पौधों से हमने डाला नहीं था पानी, तो पौधे आधे मर भी गए थे, लेकिन अब हमने नए पौधे लगा दिए हैं इसमें जगह और पानी डेली डालना है। ठीक है, अगर कोई भी एक बंदा नहीं हो घर पर दूसरा बंदा डाल देगा। ठीक है गाइस, तो अभी हम चलते हैं और अभी टाइम हो गया है, दोपहर के 2 बज गए हैं, तो अभी नहाने का टाइम हो गया है, तो मैं जाता हूँ नीचे पानी लगाने गर्म कर। सो गाइस अभी हम नहा के आ चुके हैं ऊपर, और अभी हम मम्मी ने दिया है टास्क जो कि हमें करना है पूरा। अभी हमें जाना है आई ब्लॉक किसी काम के कारण, तो अभी हम देखने चलते हैं कि क्या है कि बांजो को देखते हैं कुछ चलने वाला है साथ में कि नहीं चल रहा है। अभी यहाँ खाना खा रहे हैं, खाने में ये लोग खा रहे हैं अभी दाल चावल, वो खा रहा है रोटी क्योंकि वो है बीमार। दाल भात दाल चावल और रोटी। तो गाइस हमने यहाँ पे नहा लिया और नहाने के बाद हम लोग खाना खा रहे हैं और आप देख सकते हैं खाने में दाल और चावल। गाइस जब तक हम खाना खाते हैं तब तक मामा जा रहे हैं हमारे आई ब्लॉग पैसे देने। ठीक है खाना खा के उठते हैं, तब तक आ जाएंगे, तब तक हम खाना खा लेते हैं। हां रोटी मावल। सो फाइनली गाइस अभी हम जा चुके निकल चुके हैं जाने के लिए, अभी हम निकलते हैं। निकल लेते हो कि नहीं, निकल रहे हैं और अमन नहीं आ रहा है हमारे साथ, मैं और विक्की दोनों लोग जा रहे हैं आई ब्लॉग के लिए। हाँ बाय। तो गाइस अभी हमने उसको कर दिया बाय, और अभी हम चल रहे हैं और आप देखते हैं आपको दिखाते हैं थोड़ा अभी आपको आसपास का एरिया, आसपास का एरिया और दिखाते हैं कैसा क्या है। ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा 800-900 मीटर है, हमें पैदल वर्क करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास गाड़ी नहीं है। कोई बात नहीं गाइस पैदल चल लेते हैं। ठीक है तो आपको तो गाइस अभी हम घर पे आए थे तो देखा तो यहाँ बच्चे बहुत सारे खेल रहे थे क्रिकेट, तो अभी हम साथ में बच्चों के साथ हम लोग खेलने वाले क्रिकेट, बहुत मजा आ रहा है। आप खेलते अपना शॉट दिखाता हूँ। हाँ भाई किसकी बज्जी नहीं चल रही है, बॉल कराओ बॉल फोन पकड़ो। भाई गाइस मेरी बज्जी अपने का शॉट देखो मेरे, एक बॉल नहीं बच्चों की गेंद नहीं मार पाया बंदा। ठीक है अभी मेरी बच्ची आ गई है, अब मैं खेलने जा रहा हूँ। बिक्की पकड़, हाँ तू पकड़, मेरे को कैमरा में दिखाइए। क्या हो रहा है, मेरे से गेंद नहीं लग रही है बच्चों की गेंद में। सो गाइस अभी हो चुके हैं शाम के 6 बज चुके हैं और आप देख सकते हो क्या मौसम हो रहा है, कितना। तो गाइस बहुत ही ठंड का मौसम हो रहा है, तो इसलिए हमने लकड़ियां वकड़ियां तोड़ी हैं यहाँ पे हमने। तो गाइस यहाँ फाइनली आग जल चुकी है और भाई यहाँ पे देखो कितने प्यारा सीन लग रहा है। यहाँ पे हम बैठे हैं, यहाँ पे ये बैठा है और मामा भी गए हैं अंदर, वो भी आने वाले हैं। और देखो आग कितनी प्यारी लग रही है, मज़े आ गया। आग तापते हैं भाई, बहुत ठंड हो रही है। सो गाइस फाइनली अभी हो चुकी है रात के 8 बज चुके हैं और अभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए, मम्मी बुला रही हैं खाना खाने के लिए, तो मैं खाना खाने जाता हूँ, फिर खाना खा के फिर मैं सोऊंगा क्योंकि मुझे सुबह ऑफिस जाना है, क्योंकि जल्दी ऑफिस निकलने के लिए निकलने पड़ते हैं। सो आई होप आपको इस ब्लॉग में अच्छा लगा हो हमारा डेली रूटीन देख के, क्योंकि एक्चुअली हम ज़्यादा कुछ करते ही नहीं हैं सारा दिन। सो प्लीज़ कीप सपोर्ट अस, हो सकता है कि आप लोगों की मतलब सपोर्ट की वजह से कि हम थोड़ा सा और अच्छा करके दिखाएं, मतलब अच्छा सा ब्लॉग ला सकते हैं, तो उसके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू, गुड नाइट गाइस।